छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के चांदामेटा में रेत का अवैध कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चांदामेटा में बारिश के मौसम में हरित प्राधिकरण ने सितंबर तक नदियों से रेत निकालने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चांदामेटा में लंबे समय से रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात के समय में नदियों से अवैध रेत निकाल कर उसमें नाले की मिट्टी मिलाई जाती है, फिर इस मिक्स रेत को दिन निकलने से पहले ट्रैक्टर में भरकर महंगे दामों में बेचा जाता है। सूत्रों की माने तो रेत के इस गोरख धंधे के लेकर पुलिस प्रशासन और खनिज अधिकारी इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे क्योंकि रेत के अवैध कारोबार करने वाले कोई और नहीं बल्कि नगर सत्ता पक्ष के नेता है जो प्रभावशाली माने जाते हैं। वही लोगों का कहना है कि प्रतिबंध के कारण रेत नहीं मिल पा रही, जबकि ग्राम पंचायत और अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे और रेत की जरूरत पड़ रही है। मौके का फायदा उठाकर दुगने दामों में रेत बेची जा रही है। इस बारे में अवैध रेत कारोबारी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए खनिज विभाग ने रेत निकालने की छूट दी है। रेत की रॉयल्टी बुक भी उनके पास है जिसका राजस्व भी शासन को जाता है, जबकि अवैध कारोबारियों ने फर्जी कच्ची रॉयल्टी बुक छपवा रखी है और पूरी राशि रेत माफिया हड़पने जा रहे हैं, जिसके लिए शासन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रैंड भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।